प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, भगवान विष्णु ने समय समय पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिए हैं और इसी क्रम में भगवान विष्णु के अवतारों में से पांचवें अवतार हैं भगवान नृसिंह। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया था। इनका प्राकट्य हुआ था, ये प्रकट हुए थे खंभे से गोधूली वेला के समय। भगवान नृसिंह श्री हरि विष्णु के उग्र और शक्तिशाली अवतार माने जाते हैं। इनकी उपासना करने से हर प्रकार के संकट और हर प्रकार के दुर्घटना से रक्षा होती है। हर प्रकार के मुकदमे, शत्रु और विरोधी शांत होते हैं। तंत्र मंत्र की अगर कोई बाधा है तो वो बाधा भी निश्चित रूप से समाप्त होती है। इस बार भगवान नृसिंह की उपासना की जाएगी 4 मई को। तो वैसे तो भगवान नृसिंह की पूजा कभी भी की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि आप उनकी पूजा विशेष अवसर पर ही करेंगे, आप डेली लाइफ में सामान्य जीवन में भी उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान नृसिंह का अवतरण हुआ था, उस दिन उनका अवतार हुआ था, इसीलिए इस तिथि को विशेष रूप से उनके प्राकट्य दिवस को हम मनाते हैं। और शत्रु बाधा, विरोधी बाधा कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, आपके शत्रु और विरोधी कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर आप भगवान नृसिंह की पूजा करते हैं तो शत्रु और विरोधी आपके शांत होते हैं। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नृसिंह चतुर्दशी पर, वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर आप भगवान नृसिंह की पूजा कैसे करेंगे, क्या विधान होगा? प्रातः काल उठ करके घर की साफ सफाई करिए, घर को साफ सुथरा बनाइए। दोपहर के समय तिल, गोमूत्र, मिट्टी और आंवले को शरीर पर लगाकर मलकर शुद्ध जल से स्नान करिए और दोपहर के समय या सूर्यास्त के समय गोधूली वेला में भगवान नृसिंह के चित्र की स्थापना करिए, उनके सामने एक घी का दीपक जलाइए, उन्हें प्रसाद और लाल फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद अपनी मनोकामना कह करके भगवान नृसिंह के मंत्रों का जप करें। आगे कार्यक्रम में हम आपको उनके विशेष मंत्र भी बताएंगे। तो दोपहर के समय में, गोधूली वेला के समय में आप भगवान नृसिंह के मंत्रों का जप करें। और अगर आप भगवान के मंत्रों का जप मध्य रात्रि में करें, मिड नाइट में करें, तो ज्यादा उत्तम होगा। व्रत के दिन जल या फल ग्रहण करना ज्यादा बेहतर होगा। और अगले दिन नृसिंह चतुर्दशी के अगले दिन निर्धनों को अन्न वस्त्र का दान करिए और तब अपने व्रत का, अपनी उपासना का समापन करिए। भगवान नृसिंह का प्राकट्य हुआ था संध्या काल में, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु तब हो जब ना तो दिन हो ना तो रात हो। तो जब दिन और रात मिल रहे थे गोधूली वेला के समय में, उस समय भगवान नृसिंह का जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ था। और इसीलिए गोधूली वेला के समय में भगवान नृसिंह की पूजा करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।